ये सारी कहानी उन दो मिनटों की है जब जिंदगी बेबस हो चुकी थी, जब सांसें हर सेकंड हलकान हो रही थी। 7 लोगों को लेकर पटना से दिल्ली के लिए उड़ा एक एयर एम्बुलेंस विमान मौत का वाहन बनने ही वाला था। एक एक करके प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। मौत ने विमान को अपने शिकंजे में बस जकड़ ही लिया था, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और दोनों इंजन फेल हो चुके विमान में सवार सभी 7 लोग मौत के मुंह से जिंदा वापस आ गए। पटना से मंगलवार को सुबह करीब 11:15 बजे एक एयर एम्बुलेंस उड़ी। इस एयर एम्बुलेंस में एक मरीज के अलावा 6 लोग और थे। मरीज की बेटी और एक रिश्तेदार के अलावा 2 डॉक्टर और 2 पायलट विमान में सवार थे। मरीज को पटना के जगदीश मेमोरियल अस्पताल से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा था। विमान को पटना से चले 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए थे, दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे। विमान दिल्ली पहुंचने ही वाला था, अचानक अनाउंस किया गया कि विमान के दोनों इंजन काम नहीं कर पा रहे हैं और रडार से भी संपर्क टूट गया है। इस एयर एम्बुलेंस से 90 की क्रैश लैंडिंग करानी पड़ेगी। यह अनाउंसमेंट सुनते ही विमान के अंदर सन्नाटा छा गया। विमान में 2700 लीटर फ्यूल था। विमान में आग लगने का भी खतरा था। अचानक जोर का धक्का लगा, विमान बुरी तरह लड़खड़ाया और फिर सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर बाद जब विमान में मौजूद लोगों ने अपना होश संभाला तो खुद को सलामत पाया। पायलट की सूझबूझ से विमान हरियाणा के बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास कैर गांव के खेत में लैंड कर चुका था। जिंदगी मौत के पंजे में जाने से बच गई थी। विमान के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को अपने काबू में कर लिया। विमान में सवार 7 में से 2 लोगों को मामूली चोटें आईं। मरीज को सुरक्षित मेदांता हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। और इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसके मुंह से बस यही निकला, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।